गाइस, तो आज हमारे पास है Realme 6। ये मॉडल 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला है और ये मुझे तकरीबन 17,000 का पड़ा था तब मैंने ख़रीदा था तब। तो इसको अनबॉक्स करते हैं। कुछ ऐसा येलो एसेंट का बॉक्स है और काफ़ी खूबसूरत दिखता है ये। और ये यहाँ पे हमें कुछ हाइलाइट्स दिए हैं, जैसे 90 हर्ट्ज का स्मूथ डिस्प्ले, 30 वॉट फ्लैश चार्जर, 64 MP क्वाड कैम और हेलियो G90T प्रोसेसर। दोस्तों, हेलियो G90T प्रोसेसर गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा है और इसमें हमें मली G76 का ग्राफिक्स कार्ड मिलता है, जिससे गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहता है। और यहाँ पे हमें एक बैक कवर मिलता है और साथ ही साथ क्विक स्टार्ट गाइड और वारंटी कार्ड। और फिर इसी के साथ में यहाँ पे फ़ोन, और फ़ोन को हम फिलहाल साइड में रख देंगे। और यहाँ पे नीचे हमें चार्जर मिलता है और ये चार्जर में कुछ Realme की ब्रांडिंग है और ये जो पोर्ट है USB का वो भी येलो एसेंट में ही है। और इसके पावर आउटपुट में 5V 2A और 5V 6A का है, तो 5V 6A के हिसाब से हमें 30W आउटपुट मिल जाता है। और साथ ही साथ टाइप सी केबल भी है और ये कुछ येलो एसेंट इन्होंने यहाँ पे भी रखा है दोनों भी तरफ के प्लग्स में। तो चलिए बढ़ते हैं फ़ोन की तरफ। तो ये मैंने वाइट कलर का मंगाया है और दूसरा ऑप्शन भी था कुछ ब्लूइश कलर का, पर मुझे वाइट बेहतर लगा। और इसके पीछे की डिज़ाइन कुछ ऐसे है, लाइन्स दिखते हैं थोड़े, वीविंग एंगल्स चेंज करेंगे तो। और ख़ास बात यह है कि ये पॉलीकार्बोनेट बैक है, जिससे कि अगर आपका फ़ोन गिरता है नीचे तो बैक नहीं फूटेगा। तो दोस्तों, आप स्पेसिफिकेशन स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं हम इसके फिज़िकल ओवरव्यू की तरफ। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें 16MP का इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा मिल जाता है और साथ ही साथ में फुल HD 90Hz का डिस्प्ले है, जिसका एस्पेक्ट रेशो 20:9 है। और लेफ्ट साइड में हमें वॉल्यूम कीज़ और कार्ड स्लॉट मिलता है। और कार्ड स्लॉट के लिए हमें सिम इजेक्टर टूल यहाँ पे एनवेलप में ही था। तो देखते हैं कार्ड का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। तो यहाँ पे हमें मिलता है ट्रिपल स्लॉट, जिससे आप मेमोरी कार्ड और दो सिम साइड बाय साइड यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे में हमें मिलता है 3.5mm का हेडफोन जैक और माइक्रोफोन, साथ ही साथ USB टाइप सी पोर्ट और स्पीकर्स। स्पीकर्स का साउंड आउटपुट काफ़ी अच्छा है और काफ़ी क्लियर भी है। और यहाँ पे राइट साइड में हमें पावर की के साथ इनबिल्ट फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, आपका थंब काफ़ी आसानी से उसमें फिट हो जाता है। और मैंने इसका डेमोन्स्ट्रेशन बाद में दिया है। तो यहाँ पे हमें पीछे में 64MP का क्वाड कैम सेटअप मिलता है, जिसमें 64MP प्लस 8 प्लस 2 प्लस 2MP के कैमरेज है, जिसमें वाइड और माइक्रो कैमरा भी है। और इसका सेंसर जो है वो सीमॉस सेंसर है, साथ में ही सिंगल LED फ्लैश है। और यहाँ पे हमें इसके साथ ही एक रबर केस मिली थी, तो ये बैक कवर चढ़ाने से कुछ ऐसे दिखता है और कैमरे में कुछ थोड़ा सा प्रोटेक्शन हमें मिल सकता है इससे। और यहाँ पे हमें टाइप सी पोर्ट को भी प्रोटेक्शन दिया है, ताकि धूल मिट्टी नहीं जाए इसमें, तो अच्छी बात है। और बात करते हैं फिर फिंगरप्रिंट सेंसर के रिस्पॉन्सिवनेस की, तो फिंगरप्रिंट सेंसर काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। देखिए, जैसे स्लाइट टच में ही ये अनलॉक कर देता है, काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है फिंगरप्रिंट सेंसर के इसमें। और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें यहाँ पे ColorOS के साथ ऑप्टिमाइजेशन मिल जाता है एंड्रॉइड 10 का। और हमें यहाँ पे 128GB में से 103GB हम यूज़ कर सकते हैं स्टोरेज के लिए। बैटरी की बात करते हैं तो हमें 4300mAh की बैटरी मिलती है और साथ ही साथ 30W का फ्लैश चार्जर है, तो काफ़ी अच्छे से जल्दी से चार्ज हो जाता है। और यहाँ पे फिर कैमरा सेटिंग्स में कुछ हमें पोर्ट्रेट मोड, 64MP का अलग से मोड, और यहाँ पे कुछ टाइम लैप्स, स्लो मोशन, एक्सपर्ट मोड, अल्ट्रा मैक्रो मोड भी है। और यहाँ पे फिर कुछ नाइट मोड भी हमें मिलता है, काफ़ी अच्छे फोटोज़ आए हैं, मैंने सैम्पल शॉट्स दिए हैं। तो ये कुछ नॉर्मल मोड्स के फ़ोटोज़ है, बाद में पोर्ट्रेट मोड और 64MP के और साथ ही साथ नाइट मोड में भी फ़ोटोज़ निकाल के देखे हैं। एक तो नॉर्मल मोड में भी काफ़ी अच्छे फ़ोटोज़ आए हैं, काफ़ी अच्छा बुके इफेक्ट हमें मिलता है। ये कुछ जो फ़ोटोज़ है ये पोर्ट्रेट मोड में निकाले हुए हैं, काफ़ी अच्छा बुके इफेक्ट मिला है हमें यहाँ पे। और फिर ये जो है ये 64MP की फ़ोटोज़ है, काफ़ी क्लियर है और काफ़ी हद तक क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। और इसका फाइल साइज़ तकरीबन 19 से 20MB तक आ जाता है। और फिर यहाँ पे हमने नाइट मोड यूज़ किया है और एक्सट्रीम लो लाइट कंडीशन में ये फ़ोटोज़ निकाले हुए हैं, जहाँ पे बहुत ही कम लाइट रहती है, तो बिना फ्लैश के फ़ोटोज़ है ये। और कुछ फ्लैश वाली भी फ़ोटो है, तो फ्लैश में ऐसी फ़ोटो आती है। तो कैमरा परफॉर्मेंस भी ओवरऑल अच्छा है प्राइस रेंज के हिसाब से। गेमिंग की बात करते हैं तो गेमिंग का एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ और काफ़ी बढ़िया था।
यहाँ पे ग्राफिक सेटिंग्स कुछ स्मूथ और एक्सट्रीम पे जाती है और HDR अल्ट्रा तक जाती है। तो स्मूथ एक्सट्रीम कॉन्फ़िगरेशन अच्छा है सेटिंग के लिए और काफ़ी बढ़िया गेम प्ले था। 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले होने के कारण कोई भी प्रॉब्लम नहीं गया, हालांकि पबजी सिर्फ 60 हर्ट्ज़ ही सपोर्ट करता है और 60 FPS हमें कॉन्स्टेंट देता था गेम में और कोई भी लैग मुझे महसूस नहीं हुआ और ना ही फ़ोन ज़्यादा हीटअप हुआ, नॉर्मल हीट होता ही है और काफ़ी अच्छा था। तो इस तरीके का एक गेम प्ले है और बाद में कॉल ऑफ ड्यूटी और एस्पायर 9 का भी है, तो देखते रहिए आगे। ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी क्लियर भी दिखते हैं और बिल्कुल स्मूथ गेम प्ले हुआ, एक भी मुझे थोड़ा सा भी लैग महसूस नहीं हुआ। तो ऐसा कुछ है ये Realme 6 और ये मैंने फ़ोन काफ़ी पहले ख़रीदा था तो मुझे तब ये 17,000 का पड़ा था 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ। अभी देखा जाए तो 1,000 रुपीज़ इसके इंक्रीज़ हो चुके हैं। ये वेरिएंट के अलावा 4GB रैम और 6GB का भी वेरिएंट है, साथ ही साथ में डिफरेंट स्टोरेज ऑप्शन भी मिल जाते हैं हमें, जैसे कि 64GB और 128GB। तो दोस्तों अगर आपको सिर्फ गेमिंग ही करना है, जैसे कि पबजी वगैरह ही खेलना है, तो ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि कैसा था वीडियो, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।